नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वीं राष्ट्र अधिवेशन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है वह सरासर गलत है और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव प्रदेश में हो। अगर संभव हो तो खतरे के चलते पंचायत चुनाव को टाला जा सकता है। विष्णुदत्त शर्मा ने यह बयान जबलपुर पहुंचने पर दिया। वहीं दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेकर विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि संघ को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान का विष्णु शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतों के साथ देने वाले संघ पर उठा रहे सवाल या इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें मीडिया से बने रहना अच्छा लगता है, अप्रासंगिक हो चुके हैं दिग्विजय सिंह। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि निगम मंडल की नियुक्तियों को बचे हुए निगम को मंडलों की नियुक्ति को जल्द भरा जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक ऐसा संगठन जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, पीठ पर छुरा घोपते हैं, क्या कहें? दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो इस देश विरोधी ताकतों के साथ हमेशा खड़े हों, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हमेशा समर्थन करते हों, इस देश के अंदर आतंकवादियों का समर्थन करते हों, जो मध्य प्रदेश के अंदर देश के अंदर अप्रासंगिक हो गए हों, जो खुद ये कहते हों कि मैं जनता के बीच जाऊं तो जनता वोट काट देती है, ऐसे व्यक्ति आरएसएस पर प्रश्न खड़ा करें, ये उनका हल्कापन नहीं, बहुत बड़ा हल्कापन है। मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, जो देश के लिए समाज के लिए 24 घंटे अपनी भूमिका निभा करके सर्वस्व न्यौछावर करके देश के लिए काम करता है, ऐसे संगठन पर दिग्विजय सिंह जैसे लोग प्रश्न जानबूझ के इसलिए करते हैं कि हम हाईलाइट क्यों, आप प्रश्न इसलिए मुझे कर रहे हैं कि मीडिया के अंदर मेरा नाम जाए, तो ये अप्रासंगिक हो गए। मुझे लगता है इनकी चर्चा अब इस मीडिया के अंदर और देश के अंदर प्रदेश के अंदर अब करने की बहुत जरूरत नहीं है, केवल हाईलाइट होने के लिए इस प्रकार की बातें वो करते हैं। कल निगम मंडलों की नियुक्ति हुई, बेशक संगठन के लोगों को भी जगह दी गई और जोधपुर खेमे के लोग भी आए, शेष भी कुछ नियुक्तियां बची हैं मंडलों में, जल्दी होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, वो जल्दी ही शेष बची नियुक्तियों को करेंगे। गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि कोरोना के चलते चुनाव पंचायत चुनाव टालने चाहिए, आपका क्या मत है? देखिए, वास्तव में आज जिस प्रकार से कोरोना की थोड़ी सी जो गति बढ़ने का प्रयास हो रहा है, माननीय न्यायालय से लेकर के सभी जिम्मेदार लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के कारण से कहीं चुनावों में इसके और ज़्यादा इसका असर ना पड़े, तो इसलिए अगर ये संभव होता है कि अगर कोरोना के संकट को देखते हुए अगर चुनाव को टाला जाए तो मुझे लगता है कि ठीक होगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।